दो औरतों को 20 साल की सजा मिली। 20 साल तक जेल में एक ही कमरे में रहने के बाद दोनों ने रिहा होने पे कहा, चल बहन बाकी बातें फोन पे करते हैं। पत्नी फोन पर बोली, मैं तुम्हारी याद में 15 दिन में आधी हो गई हूँ, मुझे कब लेने आ रहे हो? चालक पति का जवाब, 15 दिन बाद। पुरुष की सफलता के पीछे एक नारी का हाथ होता है और असफलता के पीछे एक कुंवारी का। घरवाली की किचकिच किसी को भी पसंद नहीं, फिर भी कोई महाशय गुंगी से शादी करने को तैयार नहीं होता, है ना गजब का सत्य। अपनी खुद की गलती पे हंसना आपकी उम्र बढ़ा सकता है। चाणक्य, अपनी पत्नी की गलतियों पे हंसना आपकी उम्र घटा सकता है। चाणक्य का रिश्तेदार। जिन लड़कों को सुबह सुबह बाबा की 10 गाली और माँ की 4 चप्पल उठाती है, वो भी अपनी गर्लफ्रेंड से कहते हैं, बाबू तुम्हारी याद मुझे सोने नहीं देती। मकान रोड पर हो तो कीमती, खेत रोड पे हो तो कीमती, और अगर आदमी रोड पे हो तो उसकी कोई कीमत नहीं है। झगड़ा होने पे आप पत्नी को पागल औरत की बजाय अगर पागल लड़की बोल दे तो झगड़ा खत्म होने के चांस ज्यादा होते हैं। स्कूल में हिंदी के पीरियड में मास्टर जी ने पूछा, दुख तो अपना साथी है, सुख तो आता जाता है, इसका अर्थ स्पष्ट करो। कलयुगी स्टूडेंट का जवाब आया, बीवी हमेशा घर में होती है, साली आती जाती रहती है। आज मैंने अपने शिक्षकों को फोन लगाया और कहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ सब आपकी वजह से हूँ। उन्होंने कहा, हमें दोष मत दो, हमने तो पूरी कोशिश की थी। इसे कहते हैं असली इंडियन जुगाड़। मत मारा करो लाइन इन टूटे दिल वालियों पे, इनके एक्स बॉयफ्रेंड की एक मिस कॉल तुम्हारी सारी मेहनत पे पानी फेर देंगी। यदि तीज और करवा चौथ जैसे व्रत ना होते तो बहुत से लोग तो यही भूल गए होते कि वो पत्नी के साथ रह रहे हैं या मालकिन के साथ। जब सुलभ शौचालय के दरवाजे में कुंडी यंत्र गायब हो तब मैं। टेंशन वाला चौक, एक बहुत सुंदर लड़की आपसे कार में लिफ्ट मांगी, आपने लिफ्ट दे दी, आप भी खुश लड़की भी खुश। रास्ते में लड़की की अचानक तबीयत खराब हुई, आप उसे लेकर अस्पताल गए। कुछ देर बाद डॉक्टर आया और आपसे बोला, मुबारक हो आप बाप बनने वाले हो, लेची हो गई टेंशन। आपने कहा, मैं इस बच्चे का बाप नहीं हूँ। लड़की ने भी चित पकड़ ली और बोली कि यही बच्चे का बाप है और टेंशन। डॉक्टर ने पुलिस बुलाई और आपका मेडिकल चेकअप हुआ, रिपोर्ट आई कि आप तो कभी बाप ही नहीं बन सकते, साला और टेंशन। आपने थैंक गॉड कहा और अस्पताल से घर की ओर चल पड़े। फिर रास्ते में याद आया कि आपके घर पे जो 2 बच्चे हैं वो किसके हैं, अब हुई असली टेंशन। नेपोलियन ने कहा था, एक ही दुश्मन से बार बार ना लड़े वरना आप अपने तमाम युद्ध कौशल उसे सिखा देंगे। पति पत्नी के संबंधों में भी यही होता है, पत्नी कहती रहती है, तुम्हारी सारे पैतरेबाजी जानती हूँ मैं। एक कड़वा सच, व्यक्ति को अपनी ही पत्नी से संतोष कर लेना चाहिए, चाहे वो खूबसूरत हो या साधारण, शिक्षित हो या अशिक्षित, उसकी पत्नी है यही बड़ी बात है। कितना अजीब है, कार चलाने से पहले लाइसेंस होना जरूरी है और लाइसेंस बनवाने से पहले कार चलाना आना जरूरी है, क्या सिस्टम है हमारे भारत देश का। कुछ नहीं भाई, बस डॉक्टर साहब बोले थे गाय का ताजा दूध ही पीना। वैवाहिक निमंत्रण पत्रिका में एक हास्य, आपकी उपस्थिति ही उपहार है, कृपया उपहार ना लाए, अब एक बार फिर से पढ़े समझेंगे तो जरूर हंसेंगे।
गाड़ी सिखाने वाला 6,000 मांग रहा था। 15 दिन तक रोज 1 घंटा सिखाएगा, 2 लोग का 12,000 लग जाता, तो मैंने 10,000 महीने पे एक ड्राइवर ही रख लिया, अब वो पूरा दिन सिखाएगा। दोस्तों, चुटकुलों के बीच में एक मजेदार पहेली, पूछो तो जाने, सर पे उसके देखा मटका, मटके को घर लाके पटका, कुछ को खाया कुछ को फेंका, मटके का पानी भी कटका, बताओ क्या। तुलसीदास बहुत ज्ञानी थे, वे आधार कार्ड के बारे में पहले ही बता गए थे, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, अर्थात कलयुग में आधार कार्ड से ही आपकी पहचान होगी और समुद्र से पार जाने के लिए पासपोर्ट तभी बनेगा जब आपके पास आधार कार्ड होगा। पैसों की तंगी से पढ़ाई बहुत से लोगों ने छोड़ दी, लेकिन बीड़ी सिगरेट दारू गांजा किसी ने नहीं छोड़ा। दुनिया में दो ही लोग आपकी भलाई चाहते हैं, एक माँ और दूसरे वो लोग जो रास्ते में कहते हैं वापस मोड़ ले, आगे पुलिस चेकिंग हो रही है। दारू पीकर नागिन डांस करने का अलग ही मजा है, अगर डांस करते करते उल्टी भी कर दिए तो लोग समझेंगे कि जहर उगल रहा है। पप्पू एक काला और एक सफेद मोजा पहन के स्कूल गया, टीचर बोली घर जाओ और मोजे बदल के आओ। पप्पू बोला कोई फायदा नहीं है मैडम, वहाँ भी एक काला और एक सफेद ही है। बचपन में भारत जाते समय गलत बोलेरो में बैठा था तो सारे रास्ते ट्रांसलेशन और पहाड़े सुनाने पड़े थे, उस दिन से कान पकड़ लिए कि ट्रॉली में बैठकर चला जाऊंगा लेकिन कभी बुड्ढों के साथ नहीं बैठूंगा। पति बोला डॉक्टर ने चाय पी के पीने को कहा है, पत्नी अलग अलग नहीं बनेंगी, कुछ मीठा खाकर पी लेना, फीकी ही लगेंगी, धन्य है भारतीय नारी। एक कड़वा सच, अपना इकलौता ऐसा देश है जहां सरकारी आदमी काम न करने की तनख्वाह लेता है और काम करने की रिश्वत। राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय प्राणी बाघ, राष्ट्रीय बीमारी अंदर से अच्छा नहीं लग रहा, राष्ट्रीय उपचार थोड़ी सी ले ले अच्छा लगेगा। कोई जाकर इन सड़क पे बोर्ड लगाने वालों को समझाओ कि हर जगह लिखते हैं घर पे आपका कोई इंतजार कर रहा है, ये पढ़कर बंदा और गाड़ी तेज चलाता है, पता नहीं कौन मिलने आया है, अगर लिखा जाए कि घर पर आपकी बीवी इंतजार कर रही है तो बंदे की स्पीड खुद ही कम हो जाएंगी, जनहित में जारी। एक लड़की ने सिर्फ वकील से शादी करने में रुचि दिखाई, लड़की से पूछा गया कि तुम एक वकील पति ही क्यों चाहती हो, उत्तर मिला वो कमरे में घुसने के पहले और कमरे से निकलते समय सर झुकाता है, वो हर शब्द बोलने से पहले योर हॉनर या माय लॉर्ड कहता है, उसे पुरुष होने का कोई घमंड नहीं होता क्योंकि वो गाउन पहनता है, वो उस बार में जाता है जहाँ शराब नहीं परोसी जाती, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि वो कभी भी किसी निर्णय पे निर्णय देने वाले के सामने कोई प्रश्न नहीं उठाता, चाहे वो निर्णय उसके खिलाफ ही क्यों ना हो, एक पत्नी को इससे ज्यादा और क्या चाहिए। एक प्यारा संदेश, इज्जत भी मिलेंगी दौलत भी मिलेंगी, सेवा करो माँ बाप की जन्नत भी मिलेंगी।